हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस टू वर्ड, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। व्हाट इज फाइबर और फाइबर से फैब्रिक की कहानी हमको डिस्कस करना है कि अब ये फाइबर क्या मतलब। चैप्टर में जो फाइबर से फैब्रिक, फाइबर में धागा, धागे से कपड़ा, एक धागे से कपड़ा कैसे बनता है इसकी कहानी इस चैप्टर के माध्यम से बताई जा रही है। तो कहने का मतलब कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक दैट इज कपड़ा। फैब्रिक कई तरह के होते हैं, इसी तरह धागे कई तरह के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग, फाइबर क्या होता है, फाइबर कहाँ से आता है, फाइबर के प्रकार क्या है, फिर फाइबर कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है, फिर फाइबर से फैब्रिक बनने के बीच में क्या क्या से प्रोसेसिंग होती है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो जो कपड़े का धागा होता है, उस धागा के बनने से कपड़ा बनने को, कि फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा, कपड़ा जो होता है उसी को फैब्रिक कहते हैं। कपड़ा के मतलब जो कपड़ा की थान होती है, जिसमें हम पैंट शर्ट नहीं है, पैंट शर्ट से पहले जो कपड़ा प्लेन कपड़ा होता है उसकी बात करते हैं। प्लेन जो क्लोथ्स होता है विदाउट स्टिचिंग, सिला जो होता है उसके पहले की जो कहानी है, या कह सकते हैं सिला कपड़ा, धागे से कपड़ा बनने का जो रास्ता है उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या है, व्हाट आर फाइबर्स एंड फैब्रिक। तो सबसे पहले फाइबर क्या होता है, फैब्रिक ये जानेंगे। टाइप ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। फिर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क का जो कपड़ा होता है उसके बारे में, सिल्क का कपड़ा का, सिल्क का धागा कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे व्हाट इज फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, एक कॉटन का जो कपड़ा है वह जो कैसे प्रोसेस होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर की समरी है लास्ट में। सो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, सो ये एक पार्ट में डिस्कस हो जाएगा। देखते हैं एक एक करके क्या होता है। व्हाट आर फाइबर्स एंड फैब्रिक। फाइबर्स आर द मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थीन कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड स्पन into yarn and made into fabric। क्या है फाइबर, क्या होता है फाइबर, आर मटेरियल, फाइबर एक मटेरियल होता है। तो फाइबर मटेरियल होता है जो बहुत पतला होता है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थीन कॉन्टिन्यूअस फ्लेक्सीबल स्ट्रैंड स्पन इंटू यार्न एंड मेड इंटू फाइबर। कहने का मतलब ये पतले पतले धागे होते हैं, काफी लंबे होता है, जो जिसको यार्न में किसी किसी चीज में मटेरियल में लपेटे जाते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह का कोई मटेरियल है, इस तरह का कोई डंडा है, उसी में धागे लपेटे जाते हैं ना, ऐसे ढेर सारे धागे लपेटे, पतले पतले धागे लपेटे रहते हैं बंडल में, उसी बंडल को यार्न बोलते हैं। और उसी यार्न से जो है कपड़े के बाद हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। मतलब इन धागों से हम लोग मिलों में हैंडलूम से, हाथ से, हैंडलूम में हाथ से भी जो चरखा से काट के हम लोग जो क्या है धागे से जो है कपड़ा बनाते, चरखे से तो हम लोग धागा बनाते थे, फिर धागा ऐसे रुई से हम लोग चरखे से क्या है धागा बनाते हैं। तो कहने में मतलब रुई है, काटन है, रुई से उससे क्या बनता है, फाइबर बनता है, काटन से फाइबर बनता है, फिर फाइबर को जो है हम लोग यार्न में, यार्न के फॉर्म में लपेट लेते हैं। उस लपेटने के बाद जो है मशीन से हैंडलूम, लूम जो होती है, लूम वो मशीन होती है, इलेक्ट्रिक लूम हो सकती है, हैंडलूम से उससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, हैंडलूम के कपड़े बनाते हैं, खादी के कपड़े बनते हैं हाथ से जो बनाए जाते हैं, फिर मशीन से रेशे से जिसमें टेरिकॉट बनता है, सूती कपड़े बनते हैं, कॉटन के कपड़े बनते हैं, रेशम के कपड़े बनते हैं, तमाम तरह के कपड़े, नायलॉन से कपड़े बनाए जाते हैं, जो आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, टेरिकॉट के कपड़े आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सारी चीजें की कहानी है। तो फाइबर्स आर द मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थीन कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स स्पन
इंटू यार्न, स्पन मतलब उसको लपेटा गया है किसी यार्न में और उसी से एंड मेड इंटू फैब्रिक। तो धागे जो है एक मटेरियल होते हैं जो बहुत पतले होते हैं और वो काफी लंबा होता है, काफी लंबा स्ट्रेट होता है, उसको लपेट के यार्न बनाया जाता है और उस यार्न का यूज करते हुए जो ढेर का धागे का बंडल है उसको यूज करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं। दूसरी तरफ क्या फैब्रिक क्या है, फैब्रिक्स आर डिफाइंड एज अ क्लॉथ मटेरियल मेड बाय नीटिंग आर वीविंग आर वीविंग आर थ्रेड्स टुगेदर। तो क्या है फैब्रिक, क्या है क्लॉथ मटेरियल, कपड़े का सामान होता है जिसको बुनाई करके, सिलाई या बुनाई करके, ये बुनाई करके, बुनाई या सिलाई करके, सिलाई करके हम लोग क्या करते हैं एक साथ मिला के क्या बनता है कपड़ा, ऊनी कपड़ा जो है स्वेटर वगैरह उस क्या है बुनाई करते हैं, बाकी कपड़े टेलर जो है इसको काट कूट के सिलाई कर देते हैं। तो फैब्रिक क्लोथ मटेरियल है जिससे हमको कपड़ा बनता है, पहनने वाला पैंट शर्ट ट्राउजर दुनिया भर के सारी चीजें, गर्मी वाले कपड़े ये सब बनाते हैं। तो दो चीज है आपका, फाइबर है इसका यूज करके, इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, इसका यूज करके हम लोग बनाते हैं फैब्रिक, फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक का यूज करके हम लोग क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फाइबर, कितने तरह के फाइबर हैं, धागे जो है, धागे जो है कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। तो धागे जो है दो तरह के होते हैं, वो किस तरह क्लासिफाइड करते हैं, जहां से वो मिलते हैं उनकी ओरिजिन है, धागे जहां से प्राप्त किए जाते हैं उसके आधार पे फाइबर जो है धागे दो तरह के, एक नेचुरल फाइबर दूसरे सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो प्रकृति में मिलते हैं जैसे कॉटन से बनने वाले हैं या सिल्क से जो बनने वाले हैं, ठीक है सिल्क से ये नेचुरल है। सिंथेटिक जैसे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर से या ठीक है नायलॉन से, ये सारे जो बनते हैं वो आपके जो है तो वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो दो तरह के, एक नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचुरल फाइबर कैसे बनते हैं, उसकी क्या क्या होता है देखते हैं नेचुरल फाइबर। तो फाइबर दो तरह के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर, दीज फाइबर आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहां से नेचुरल फाइबर मिलते हैं, दो जगह से, पहले कहां से, एक प्लांट से मिल जाते हैं हमको, दूसरा कहां से, एनिमल से मिल जाते हैं। प्लांट से कॉटन, एनिमल से ऊन, ठीक है क्या मिल जाते हैं हम लोग, ऊन मिल जाते हैं, ऊन ठीक है, सिल्क ये जो है हमको मिल जाते हैं। इस कॉटन के बाद यहां पे जूट भी है। तो क्या है हमारे जो नेचुरल फाइबर किससे मिल जाते हैं, दो तरह से, ठीक है नेचुरल फाइबर हमको किस कैसे मिल जाते हैं, दो तरह से, पहले से प्लांट से नेचुरल, दूसरा हमको एनिमल्स, एनिमल्स से मिल जाते हैं, जानवर से, ठीक है जीव जंतुओं से, आपको जीव, ठीक है ठीक है, कीट से जैसे सिल्क, सिल्क मिल जाता है और ऊल मिल जाता है, ऊल जो है हमको भेड़ों से मिल जाते हैं और कई जानवर हैं डियर से मिल जाते हैं और कई ठंडी में मिलने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे मिलता है। सिल्क जो है हमको जो है सिल्क के जो कीड़े होते हैं शहतूत के पेड़ में पाए जाते हैं वहां से हमको सिल्क मिलता है। और इससे क्या मिलते हैं हमको, कॉटन के प्लांट जो कि रुई से मिलता है, रुई से, और हमको जूट से मिलता है,
ठीक है, हमको जूट से मिलता है, जो सन का पेड़ होता है, सनई जिसको बोलते हैं, सन का पेड़, उससे जूट बनाया जाता है, उसके रेशे से जूट बना के, जूट से आपको क्या क्या है, तमाम जो गांव में खटिया वगैरह बनती है ना, वो सब जूट से बनाया जाता है, बैग बनाए जाते हैं जूट के, बोरियां बनाई जाती हैं जूट के, ये सारे चीज़ें जो हैं, ये सारा अभी आजकल जूट को प्रोसेस करके माइनस करके उसको एज अ कपड़ों में भी इस्तेमाल होने लगा है। तो कहने के बदले नेचुरल फाइबर आपके दो तरह से, प्लांट से मिलने वाले और एनिमल से मिलने वाले, और देखते हैं आगे क्या है। फिर सिंथेटिक फाइबर क्या है, दीज फाइबर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज बाय ह्यूमन विद इन द इंडस्ट्री बाय एप्लीकेशन ऑफ सिंपल केमिकल्स, एग्जाम्पल अर्कलाइन, अर्कलाइन केमिकल है, पॉलिस्टर्स हैं, नायलॉन है, रेयान है, एसीटेट है, ये सारे जो है इन सब का यूज कर, ये सब केमिकल से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक या उससे जो केमिकल है उनसे बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या है, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, और वो सारे जो है आपके एग्जाम में पॉलिस्टर ज्यादा सुनते हैं, नायलॉन का कपड़ा ज्यादा सुनते हैं, ये दो ज्यादा सुनने में मिलता है, ठीक है, पॉलिस्टर और नायलॉन ज्यादा सुनने को मिलता है। फिर रेयान का भी कपड़ा बनता है, एसीटेट होता है, उससे भी कपड़ा बनाया जाता है, ये सारे एग्जाम्पल इनका यूज करके सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं, जैसे छाते हैं बनाए जाते हैं आपको, बरसाती वाले जो कपड़े बनाए जाते हैं, पॉलीथीन जो सब बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर से ही बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं नेचुरल फाइबर में, एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स फाइबर हमने डिस्कस कर लिया दो तरह के, एक सिल्क फाइबर, वूल सिल्क फाइबर जो कि सिल्क वार्म से बनता है, दूसरा वूल फाइबर जो है ऊन से बनता है, खासकर बाल से, भेड़ की, भेड़ ठंडे प्रदेशों में भेड़, भेड़ों से जो है, भेड़ से, बकरियों से, ठीक है, क्या भेड़ से, तो भेड़ बकरी से ये बनते हैं, बस एग्जाम्पल याद रखना है। अब यहां ऊल फाइबर क्या है, ऊल के बारे में, ऊल फाइबर क्या है, ऊल फाइबर क्रम फ्रॉम सीप, कैमल, गोट, याक जो है हिमालय में काफी, गाय या बड़ा भेड़ जो होती है उसी से काफी बड़ा, उसकी बड़ी बड़ी सींगें होती हैं, उसके जो है ऊन से बनाए जाते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग एनिमल फाइबर इन टूल फॉलो ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, तो कहने का मतलब जो ऊन फाइबर बनाया जाता है उसमें कई स्तर होते हैं, कैसे कहें, फिर शेयरिंग, पहले उनके जो ऊन को जो है सेविंग किया जाता है, उसको काटा जाता है मशीन से, फिर उसको धुलाई की जाती है, धुलाई से उसको जो है सॉर्टिंग किया जाता है, उसमें से सही चीजें निकाली जाती हैं, और फिर उसके बाद सारा जो है क्या कहते हैं सफाई के बाद डाई कर दिया जाता है, कलर किया जाता है, उसके बाद फिर उसको स्ट्रेट किया जाता है, उसको मशीन में लगा के उसको लंबा एकदम स्ट्रेट बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसको लपेटा जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है उसको रेसों में डिवाइड किया जाता है। तो अब ये प्रोसेस ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस हटते बस ये जान के चलिए कि भेड़ का ऊन है, उसको उस भेड़ की ऊन को पहले निकालते हैं मशीन से, उसके बाद फिर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से इधर उधर खराब चीजें निकालेंगे, फिर साफ करेंगे, फिर उसको सुखवा के उसमें कलर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको स्ट्रेट किया जाता है, लंबा लंबा उसको फैला के किया जाता है, फिर उसको रोल करके उसको गोला बनाया जाता है, उसका बंडल बनाया जाता है, फिर उससे धागे बनाए जाते हैं। तो ये इस तरह का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सिल्क फाइबर क्या है, सिल्क वार्म से बनाया जाता है, एनिमल सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वार्म, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म। सिल्क वार्म क्या मतलब हुआ, ये सिल्क वार्म मतलब सिल्क का कीड़ा, सिल्क का छोटा छोटा कीड़ा, सहतूत, सह
तूत का जो पौधा होता है, ऐसे थोड़ा सा काला और नारंगी कलर का, काला और लाल से मिला हुआ गाढ़ा काला जो है, उसमें जो है चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, उसी पे सिल्क वार्म के कीड़े होते हैं और वो कीड़े जो हैं पत्तियां खा के वहीं पे जो है वो पत्तियां खा के उसी में अपना जो है सिल्क बनाते हैं, वही खा खा के जो है वो उससे बनता है। अभी देखेंगे उसके प्रोसेस भी देखेंगे। सेरिगल द सिल्क थ्रेड आर यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मूथ कोकून। कोकून जो है सिल्क का जो बच्चा होता है, सिल्क का बच्चा होता है, वो छोटे छोटे ऐसे पिंडी जैसा बना लेता है और उसी को क्या कहते हैं, निकालने के बाद उसको पानी में गर्म पानी में डाल के जो है फिर उसी में से पतले पतले धागे बनते हैं। उसके बाद उस धागे को धीरे धीरे लपेट लिया जाता है, ऐसे खींचते जाते हैं, निकलता जाता है, लपेट लिया जाता है। लपेटने के बाद एक बंडल बन जाता है जिसको कहते हैं यार्न। यार्न जो बंडल बन जाता है उसको क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। बंडल बंडल जो बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, यार्न। और ये जो बंडल धागे का जो बंडल बन जाता है उसी का फिर यूज करके कपड़ा बना लेते हैं। तो क्या हो जाता है, फाइबर्स जो हैं, फाइबर से जो फैब्रिक बन गया, मतलब कपड़ा बन गया, दैट इज द प्रोसेस। तो सेरिकल्चर सिल्क क्या है, सिल्क कीड़ा होता है, वो कीड़ा जो शहतूत के पेड़ में रहता है और वहीं से जो है वो शहतूत की पत्तियां पूरा खाता है। खाने के बाद जो है अपने लार से जो क्या है वो लार्वा बनाता है और उस लार्वा जो है कुछ पक जाता है तो उसको कोकून बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉम विच स्टेज सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वार्म। कहने का मतलब क्या है कि सिल्क वार्म के कौन से स्टेज में, क्योंकि सिल्क वार्म का कई स्टेज होता है। सिल्क का कीड़ा छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद वो शहतूत पेड़ पे वो चढ़ जाता है, उसकी जड़ों के पास रख दिया जाता है सिल्क के कीड़े, वो शहतूत पत्तियों पे पेड़ पे चढ़ जाते हैं, चढ़ के पूरा खाते हैं। खाने के बाद वहां पे वो अपने जो है उसी के डालों में जो है वो लार्वा अपना गिरा गिरा के वो लपेटते जाते हैं और कुछ दिन में जब वो लार्वा पक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कोकून बोलते हैं। तो फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वार्म का जो कोकून होता है उसी से हमको फाइबर मिलता है। तो कोकून वर्ड आपको याद रखना है, सिल्क में कोकून जो वर्ड है इसी से हमको धागा बनता है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और सिल्क वार्म किसे, शहतूत के पेड़ पे बनाया जाता है, उसी की पत्तियां खा के वो बड़ा होता है और वो छोड़ते ही सारी पत्तियां खा जाता है। सो दैट इज द सिल्क वार्म। अब यहाँ पे ये बता रहा है सिल्क वार्म का पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे सिल्क वार्म से किस स्टेज में क्या क्या होता है। तो पहला स्टेज में आफ्टर मेटिंग फीमेल सिल्क मोथ ले अराउंड 200-300 एग एट अ टाइम। तो कहने का मतलब मेटिंग मतलब फीमेल और मेल सिल्क वार्म मिलते हैं, मिलने के बाद जो है क्या अंडे देते हैं जो कि 200-300 अंडे वो देते हैं। अब क्या होते हैं, द एग हैचेस एंड न्यू सिल्क वार्म अराइजेस एंड फीड ऑन द मलबरी लीव फॉर अराउंड 30 डेज एंड मूव इन टू नेक्स्ट स्टेज। कहने का मतलब जब अंडे क्या होते हैं जब अंडों से बच्चे निकलते हैं या कीड़े निकलते हैं, क्या हैच मतलब उससे निकलना, ठीक है, अंडों से जो निकलना उसको प्रोसेस कहते हैं हैच। निकलने के बाद न्यू सिल्क वार्म अराइज, वहाँ नए सिल्क वार्म निकलते हैं। फीड ऑन मलबरी, फीड मतलब उस पर खाना खाते। मलबरी क्या है, इसी को शहतूत कहते हैं, शहतूत, मलबरी को इंग्लिश में शहतूत कहते हैं। और वो शहतूत के पौधों पे छोड़ दिए जाते हैं और वहां पे लगभग 30 दिन तक उसकी पत्तियां खाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। 30 दिन के बाद उनका दूसरा स्टेज शुरू होता है। फिर क्या हो, कोकून, ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सिल्क वेब स्पन इज डेवलप्ड अराउंड द लार्वा विच इज द साइज ऑफ स्मॉल कॉटन बाल मेड ऑफ सिंगल सिल्क थ्रेड। अब क्या है, जो सिल्क का जो कीड़ा होता है, ठीक है, वह ये सब खा के पत्तियां खा के अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है, एक सिल्क का वेब बना लेता है। जैसे मकड़ियां जाला बनाती है ना, उसी तरह के कीड़े जो है अपने चारों तरफ से जो है
जो लार्वा होता है, जो पहला बच्चा होता है उसको लार्वा कहते हैं। लार्वा के बाद वो पत्तियां खुद 30 दिन खा खा के वो अपने चारों तरफ से जो है पतले पतले धागे नुमा जो है जाला बना लेता है, और ठीक है, और वो जो है एक काटन की बाल जो छोटी सी रुई की बाल के बराबर हो जाता है, ठीक है। और फिच इज द साइज ऑफ स्मॉल काटन एंड मेड ऑफ सिंगल सिल्क थ्रेड, तो वो सिल्क के उसके ऊपर थ्रेड बना, थ्रेड मतलब धागे, ठीक है, सिल्क के धागे। फिर उसके बाद क्या है, कोकून होता है ये। फिर प्यूपा स्टेज, ए स्टेज वेयर सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय किलिंग द प्यूपा एंड प्लगिंग द कोकून इनटू बॉयल वाटर एंड अनविंड द सिल्क थ्रेड। अब क्या है, चौथे स्टेज में वो प्यूपा बन जाता है। अब यहाँ पे सिल्क फाइबर, अब इसी स्टेज में जो है हम फाइबर ले लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, बाय किलिंग द प्यूपा, वो जो है जो उसमें कोकून क्या होता है, सबसे पहले लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा, लार्वा के बाद क्या आपका बन जाता है, कोकून बन जाता है, कोकून, ठीक है। इस कोकून में जो है धागे बन जाते हैं, और इस कोकून के बाद चौथे स्टेज में जब प्यूपा स्टेज पहुंचता है तो इसको तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि अब इसमें पका पका हुआ फार्म जो पक गया है, मैच्योर हो गया, उसको क्या करते हैं, बॉयलिंग वाटर में डाल देते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, और वहां से अनविंड द सिल्क थ्रेड, वहां से पतले पतले जो है जो धागा उसने लपेट रखा है उसी को हम अनविंड मतलब उसको निकालते हैं, सिल्क थ्रेड, सिल्क का धागा, द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन विच कंप्लीटली डेवलप्ड प्यूपा चेंज टू एडल्ट माउथ अगेन द लाइफ साल बिगेन फ्रॉम हियर। अब जो है अब उसको गर्म पानी से हम उसको निकाल लेते हैं, ये जो गर्म पानी से क्या निकालते हैं, उसके ऊपर जो धागे हैं वो हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद जो है जो उसमें जो कीड़ा है उसको छोड़ देते हैं, और वो क्योंकि एडल्ट बन जाता है, एडल्ट बनने के बाद उसको फिर से हम छोड़ देते हैं, और फिर से वो बच्चे पैदा करता है, इस तरह। तो कहने का मतलब एक एडल्ट बच्चे देता है, बच्चे बच्चों से जो है बच्चे खूब कीड़े खाते हैं, कीड़े खा के अपने चारों तरफ ढेर सारा जो है धागा बना लेते हैं जिसको कोकून बोलते हैं। फिर उस कोकून को लेने के बाद, फिर लेने के बाद जो है कोकून जब पक जाता है 30 दिन के, क्या है, लार्वा 30 दिन के बाद कोकून बन जाता है, ठीक है, लार्वा 30 दिन के बाद कोकून बन जाता है। कोकून बनने के बाद उसको कुछ दिन छोड़ते हैं, उसके बाद फिर जब और पक जाता है उसका धागा, पक जाता है, फिर उसका चौथे स्टेज उसको प्यूपा बोलते हैं, फिर प्यूपा को तोड़ लेते हैं वहाँ डालियों से, डालने के बाद उसके ऊपर जो धागे लगे होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं, और उसमें जो कीड़ा होता है वो बाहर हो जाता है, और उस वो कीड़ा फिर जो है पूरा मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद फिर कीड़ों को छोड़ देते हैं, कीड़ा इसमें मरता नहीं, बस उसके हम धागा निकाल के कीड़ा, क्योंकि उससे उसके अंदर कीड़ा पड़ा रहता है, उसके जो कवच बना लेता है उसी के अंदर कीड़ा पड़ा रहता है, बड़ा सा कीड़ा बन जाता है, उस कीड़े को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, कीड़े को फिर छोड़ देते हैं, हमको हमारा काम उसके ऊपर जो धागे लपटे हैं वही लेते हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं। बस थोड़ा सा मेहनती काम होता है, एक एक छोटे छोटे करना, लेकिन एक प्यूपा में बहुत एक बंडल जो है रेशम का धागा बन जाता है, और रेशम का धागा बहुत पतला होता है, उससे काफी थोड़े ही रेशम में हमको काफी बड़े बड़े कपड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेज में जो है पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो हमको यहाँ ध्यान रखना है कि कोकून स्टेज में उसके चारों तरफ से धागे बन जाते हैं, और जो पक जाता है प्यूपा में उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के हम फाइबर ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं उसको, और कुछ बाद वो एडल्ट हो जाता है। एडल्ट जब हो गया तो फिर जाके वह सीधा जो है फिर से बच्चे पैदा शुरू कर देता है। तो इससे जो है ये प्रोसेस चलता रहता है बार बार, एक बार वही कीड़ा शुरू हो गया, फिर लेने के बाद फिर वही कीड़ा बार बार देता रहता है। और शहतूत की पत्तियां बड़ी जल्दी जल्दी ग्रोथ भी करती हैं, खाएं फिर तुरंत ग्रोथ हो गया, हमेशा साल भर हरा भरा रहता है। शहतूत की पत्तियां लगभग हमेशा हरी भरी ही रहती हैं, हाँ गर्मियों में थोड़ा सा पत्तियां झड़ जाती हैं, जैसे ही गर्मी खत्म हुई फिर से पत्तियां आ जाती हैं, जिससे जो है सिल्क का फाइबर हमको मिलता रहता है। शहतूत की खेती करने के बाद जो है ये सिल्क वार्म होता है, ज्यादातर कर्नाटका वगैरह में ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा होता है। अब हम प्लांट फाइबर की बात करते हैं, हम एनिमल फाइबर की बात कर लिए थे, ऊल। अब प्लांट में क्या है, कॉटन एंड ऊल, कॉटन, ऊल एंड जूट आर द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स।
जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट. इट इज सॉफ्ट शाइनी एंड लॉन्ग फाइबर विथ सिल्की टेक्सचर. कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन एंड बेसिकली ग्रोन इन स्टेट ऑफ बंगाल बिहार और आसाम. तो अब यहाँ पे प्लांट फाइबर में हम देख रहे हैं कि आपका कॉटन और जूट की बात कर रहे हैं ज़्यादातर. तो जूट फाइबर क्या है, उसकी जूट लंबा लंबा पेड़ होता है, पतला पतला पेड़ होता है जो कि बरसात में बारिश के सीजन में बोया जाता है. और उसके जूट का लंबा सा पेड़ हो जाता है, हरे हरे उसमें पत्तियाँ होती हैं. जब काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर उस जूट के पेड़ को काट लेते हैं. काटने के बाद क्या करते हैं, उसको जो है पानी में सड़ा देते हैं. महीना 15-20 दिन उसको पानी में डाल देते हैं. पानी डाल देते हैं तो जो उसके डंठल होती है, डंठल से उसके छिलके अलग हो जाते हैं. फिर अलग होने के बाद उसको पानी में हम पीट पीट के उसके छिलके पूरे उसके निकाल लेते हैं. छिलके निकालने के बाद फिर उसको हम उस पतले पतले रेशे में बदल जाते हैं. वो छिलके पतले पतले रेशे में बदल जाता है. उसी रेशों का यूज कर करके हम लोग धागा बनाते हैं, जैसे बोरियां वगैरह बनाते हैं. तो क्या है, ये ज़्यादातर का जहाँ बारिश ज़्यादा होती, बंगाल बिहार आसाम यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे ये जूट के पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं. फिर क्या है, द फाइनर पार्ट ऑफ थ्रेड इज रिफर टू फाइबर. तो जो पतले पतले धागे होते हैं उसी को हम फाइबर कहते हैं. फाइबर इज थ्रेड लाइक स्टर दैट स्पन इनटू रोप्स क्लोथ्स एंड स्ट्रिंग. तो ये जो फाइबर होते हैं उससे क्या हम क्या है, रस्सियां बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब पतले पतले, और डोरियां बनाते हैं, ये सारी चीज. फाइब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स. अभी वही चीज है कि नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स से भी बनाए जाते हैं, सिंपली है इसमें रिपीटेशन. यार्न क्या होता है, जो ये धागे होते हैं उनको बंडलों में लपेट लेते हैं. बंडल, इस बंडल को क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं. जो धागे से बंडल जो घरों में हमारे सिले जाते हैं, मोटे मोटे धागे पतले, तो उसको यार्न कहते हैं. द थिन स्ट्रैंड मेड फ्रॉम द फाइबर आर कॉल्ड यार्न. स्पाइनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न. स्पाइनिंग मतलब उसको घुमा घुमा के उसमें लपेटना, जो है लपेटने का काम जो करते हैं उसको यार्न कहते हैं. अभी तो बचपन में हम लोगों के समय क्या है, एक लकड़ी का उसमें जूट का लगा लगा के उसको घुमा घुमा के पतले पतले डोरियां बनाई जाती थी, तो उसी को स्पाइनिंग कहते हैं. जैसे स्पाइनिंग क्या, चरखा, चरखे का यूज करके हम लोग क्या धागा बनाते हैं. चरखे का यूज, गांधी जी का जो चरखा था उससे रुई का यूज कर करके हम लोग उससे धागा, उसी को स्पाइनिंग कहते हैं, धागा बनाओ, ठीक है. उस धागे से जो है हमारा एक बंडल में लपेट जाता है, उसी को यार्न कहते हैं. धागे को एक बंडल में लपेटना प्रोसेस, दैट इज द यार्न. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जूट के बाद कॉटन की बात कर रहे हैं. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल व्हिच आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉटन सीड. इट ग्रो इन ब्लैक क्ले सॉइल और वार्म. तो कहने का मतलब कॉटन क्या है, कॉटन जल्दी देखिए महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में कॉटन जहाँ काली मिट्टी होती है वहां पे रुई के पौधे बहुत ज्यादा होते हैं. और जगह भी रुई के पौधे होते हैं लेकिन काली मिट्टी में रुई के पौधे बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पे गर्म होता है. तो कॉटन वहां से जो रुई के छोटे छोटे पौधे से जो निकलता है उसी से रुई से के बीज अलग कर लेते हैं. बीज अलग करने के बाद जो है रुई बनती है. फिर इस रुई का यूज करके हम धागे बनाते हैं और फिर उस धागे का यूज करके हम जो है कपड़े बनाते हैं. तो क्या है, कॉटन में क्या कहता है, एक गीनिंग प्रोसेसिंग होता है, फिर स्पाइनिंग होता है, वीविंग होता है. तो कहने में गीनिंग प्रोसेस क्या है कि कॉटन से जो रुई निकालना उसको गीनिंग बोलते हैं. फिर उस रुई से जो है करके धागे बनाना, ठीक है, धागे बनाने को जो स्पाइनिंग कहते हैं. वो स्पाइनिंग के बाद भी वीविंग कहते हैं, मतलब बुनाई करना, कढ़ाई करना. ये सारा जो पास इससे क्या है, इन दोनों के पास से हमको क्या मिलता है, फैब्रिक मिलता है, इससे हमको फैब्रिक बन जाता है. देखिए यहाँ पे गिनी में, द प्लांट फ्रॉम विच कॉटन इज पिक्ड कंटेन सीड. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस सीड फ्रॉम कॉटन पॉड इज नॉट गिनी. तो जो हम पौधों से जो रुई निकलती है उसमें बीज होता है, तो बीज निकालने की जो जो प्रोसेस होता है उसी को गिनिंग कहते हैं. रिम्यू ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन पॉड, पॉड मतलब जो कॉटन का छोटा सा गुच्छा होता है, ठीक है, उससे हम
रुई निकालने का काम गिनिंग कहता है। गिनिंग कैन बी डन यूजिंग हैंड या मशीन। तो हम लोगों के घरों में तो हाथ से ही रुई निकालते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा होता तो मशीन के द्वारा जो है बीजों को अलग करना। तो गिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम इट्स पोर्ट। स्पाइनिंग क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, वही है ठीक है। स्पाइनिंग फ्रॉम थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर, फाइबर जो बनाते हैं, फाइबर से जो है जो धागे होते हैं उसको हम एक लपेटने का जो काम करते हैं उसी को स्पाइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। इट कैन बी डन बाय हैंड और स्पाइनिंग व्हील, हाथ से भी या स्पाइनिंग व्हील से जो है चरखे वगैरह से, मशीन वगैरह से, हैंड से भी, इन सब से जो है हमको बंडल बनाने का काम करते हैं। वीविंग टू डिस्टिंग आर्ट यार्न अरेंज टूगेदर ऑन वीविंग मशीन नोन एज अ लूम टू मेक फैब्रिक। तो वही है कपड़ा बनाने का काम। देखेंगे कई, अब आपके कपड़ों में देखेंगे एक ही कलर के नहीं, कई अलग तरह के कलर होते हैं, तो उन सबको कभी ये कलर, कभी वो कलर, कभी ये डिजाइन, कभी वो डिजाइन मिला के जो है जो कपड़े बनाते हैं उसी को वीविंग प्रोसेस कहते हैं ठीक है। उसी को वीविंग प्रोसेस कहते हैं, बुनाई करना। किटिंग, किटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। इन दिस प्रॉपर ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक पीसेस ऑफ फैब्रिक। तो कहने का मतलब ये भी एक किटिंग प्रोसेस है ठीक है। किटिंग इज पॉपुलर मेथड टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक ही यार्न से जो है एक कपड़ा बनाने का तरीका किटिंग कहलाता है, बुनाई करना, छोटे छोटे बुनाई एक ही यार्न करके। वीविंग में क्या है, एक से ज्यादा यार्न यूज करके कपड़े बनाते, कीटिंग में जो है एक ही यार्न यूज करके करते हैं, बस ये अंतर है दोनों का काम फैब्रिक बनाना। अब यहाँ पे कॉटन फैब्रिक क्या है? फैब्रिक आर वूवन मटेरियल आर टेक्सटाइल। फैब्रिक क्या है? वूवन मटेरियल, बुना हुआ मटेरियल है टेक्सटाइल के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यार्न बाय वीविंग के लिए। ये तो हम लोग करें फैब्रिक में ब्लैंकेट, कॉटन, कर्टेन, चद्दर उद्दर बनाते हैं, तो सेम वही है, ज्यादा कुछ नहीं है, किटिंग भी वही है। वीविंग में ये दिखा रहे हैं, ये फिगर में आप देखिए कि कैसे ये वीविंग कर रहे हैं, ये कपड़ा यहाँ देखिए पतले पतले ये धागे हैं, उसी में एक दूसरे को फंसा फंसा के जो है अलग अलग कलर के, देखिए कई कलर के है, तो ये वीविंग प्रोसेस कर रहे हैं। अब नेचुरल सिंथेटिक फाइबर में कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन है? नेचुरल फाइबर, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, फ्रॉम प्लांट एनिमल। प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, आल्सो कॉल्ड सेलुलर फाइबर, एग्जाम्पल कॉटन, फ्लैक्स, हेम, जूट एंड रेमी। एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, आल्सो नोन एज प्रोटीन फाइबर, दे आर इको फ्रेंडली फाइबर। तो कहने का मतलब नेचुरल फाइबर दो तरह के से मिलता है आपको, एक प्लांट से और एनिमल से मिलता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, ये सारे चीजें हैं, नेचुरल कहलाते हैं। सिंथेटिक फाइबर हम लोग बताया कि इसके पहले डिस्कस, पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, और उसके बाद मशीनों से जो है बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन, ये सारे चीजें सिंथेटिक फाइबर हैं, ज्यादा चलती हैं। अब यह कि इवोल्यूशन क्लोथिंग, कपड़े का विकास कैसे हो, सिंपली है, आदमी क्या है पहले काफी जो है एशियन टाइम में पेड़ पत्तियां जो है लपेट के जिंदा रहता था, फिर धीरे धीरे जो है जानवरों की छाल वगैरह यूज करना शुरू किया ठंडी से बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए। फिर बाद में जो है रुई की खोज हुई, उससे उन्होंने धीरे धीरे कपड़ा बुनना सीखा, सीखने के बाद और जरूरतें बढ़ी, तो उसी के बाद जो है कपड़े की खोज हो गई, धागे की खोज हो गई, और उन सब के बाद जो है आपका जो है कपड़ा बनने लगा और लोग पहनने लगे। बस इतना ही है कि इसमें और क्या हुआ, समय के हिसाब से ज्यादा ज्यादा फैब्रिक बनने लगे ठीक है। तो फ्लैक्स फाइबर वेयर फर्स्ट टू बी पुट टू यूज क्लोथिंग फॉलोड बाय कॉटन। फ्लैक्स फाइबर वही तने, पेड़ की छाल वगैरह से, जूट वगैरह से जो बनता था कपड़े, पहले उसको बनाया गया, फिर बाद में रुई से बनाया गया। इन मॉडर्न डे क्लोथिंग बिकम मैकेनाइज वेयर मशीन हैव मेड। तो पहले जो है हाथ से बनाए जाते थे कपड़े, अभी जो है मशीन आ गई जिससे मशीन से कपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पे एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है फाइबर बनता है। तो क्या है, कॉटन का रोल है, उसको गिनिंग करके धागा बनाए, फिर उसके बाद
फाइबर बना, फिर उसको यार्न में लपेटे, लपेटने के बाद कीटिंग या वीविंग करे, उसके बाद फाइबर से क्या है आपको जो है फैब्रिक बन गया, ठीक है, फैब्रिक फैब्रिक बन गया, दैट इज द। तो बस इस चैप्टर में थोड़ा सा जो है समरी दी गई है कि फाइबर्स आर टू टाइप्स, सिंपली है समरी में आप देख लीजिए, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, इसका एग्जांपल दे दिया गया है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल दे दिया गया है। अब प्लांट से कौन कौन से बनते हैं, कॉटन से बनता है, उसके जूट से बनता है, प्लांट से कॉटन और जूट दो तरह के बनते हैं, फिर एनिमल से बताया गया ऊल और सिल्क से बन गया। अब प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल कैसे प्रोसेस करता है, सीयरिंग करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप स्किन सीयरिंग का है। ग्राइंडिंग क्या, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज वूल, तो उससे खराब ऊन निकालना है, ग्रेडिंग किया। फिर कार्डिंग का प्रोसेस, आफ्टर द वूल हैव बीन वॉश्ड एंड ड्राई इट इज पास थ्रू रोलर दैट है, तो कहने के मतलब पहले सीयरिंग किया, ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग मतलब उसको खराब चीज निकाले, फिर कार्डिंग में उसको धूल साफ उप करके उसको जो है ऐसे उसको एक कंघे टाइप में उसको करके लंबा लंबा कर देते हैं, जिससे वो लंबा लंबा हो जाता है। फिर प्रोसेस बाय, फिर स्पाइनिंग प्रोसेस बाय विच फाइबर आर गेदर टू द एंड ड्रा इन टू द लॉन्ग रोप देन ट्विस्टेड टू मैग्मा, फिर उसके बाद और उसको लंबा करने के बाद फिर उसको जो है यार्न में लपेट लिया जाता है, दैट इज द ये प्रोसेस है। फिर फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, कपड़े जो यार्न से बनाया जाता है, जो बंडल है उससे। फिश टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इट इज डन बाय टू प्रोसेस, तो यार्न कैसे बनता है, वेविंग से, कीटिंग से। द प्रोसेस बाय टू सेट ऑफ यार्न आर अरेंज टूगेदर, इसमें दो तरह के यार्न यूज करके बनाते हैं, और किटिंग में क्या है, सिंगल यार्न, एक ही तरह का बंडल यूज करके बनाते हैं, दैट इज द, इट इज डन बाय हैंड यार्न मशीन, ठीक है। और जो वीविंग है डन बाय लूम, पावर लूम, लूम होता है वहां से बनाया जाता है, और ये मशीन से बनाया जाता है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, छोटा चैप्टर था सिंपली, कैसे धागे से कैसे कपड़ा बनाया जाता है, यही कहानी थी कि धागा, फिर शुरुआत में धागा कितने तरह का होता है, बस तो धागा नेचुरल और मैन मेड होता है, नेचुरल में भी जो एनिमल से और जानवर से, और मैन मेड में पॉलिस्टर, रेयान, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।